कहा जाता है कि माँ के दिल में बच्चों के लिए हमेशा प्यार और रहम होता है और वह अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। लेकिन इस कलयुग में एक माँ अपने दो मासूम बच्चों को किसी के भरोसे छोड़कर गई और वापस ही नहीं लौटी। उनमें से एक बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे राजकीय अमृतकूट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार फतेहपुरिया दोयम मूल रायपुर निवासी सुभाष के यहाँ पर एक रेणु नाम की महिला किराए पर रहने आई। कुछ समय रहने के बाद रेणु अपने 7 वर्षीय पुत्र रोहित एवं 3 वर्ष की पुत्री खुशी को सुभाष के परिवार के पास यह छोड़कर गई कि कोई जरूरी काम है तथा वह 5-7 दिन में लौट आएगी, लेकिन वह वापस नहीं आई। सुभाष बच्चों को लेकर रायपुर चला गया तथा बच्चों को अपने पास ही रखा, लेकिन रेणु वापस नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि खुशी के सिर में हुए एक घाव में पीड़ा ज्यादा होने पर वह उसे लेकर राजकीय अमृतकूट चिकित्सालय पहुंचे, जहां सर्जन डॉक्टर पुखराज चौधरी ने उसकी जांच तथा उसका उपचार किया। मामले की जानकारी करने पर सुभाष ने उक्त उसकी मां रेणु द्वारा उसे छोड़कर चले जाने से संबंधित जानकारी दी। परिवार के बारे में जानकारी करने पर राहुल ने बताया कि उसकी मां का नाम रेणु तथा पिता का नाम ताराचंद है। पिता ताराचंद सुभाष नगर अजमेर में चप्पल बनाने का काम करता है। फिलहाल मामले में चाइल्ड लाइन अजमेर को सूचना दी गई है, जिसके बाद चाइल्ड लाइन अजमेर के सदस्य हेम कंवर ने AKS पहुंचकर बच्चों से बातचीत की है। खुशी का इलाज पूरा होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैं रोहित और खुशी को 2 महीने से रख रहा हूँ और इसके मम्मी पापा जो थे 2 दिन के लिए छोड़ के गए, अभी तक वापस नहीं आए। अजमेर का बोल के गए, मेरे को 2 महीने हो गया पूरा, आज दिन तक वापस नहीं आए। 2 महीने से मैं रख रहा हूँ उनको और मैंने चाइल्ड लाइन पे फोन लगाया तो उनकी टीम आई और अभी मेरे पास मौजूद है। अजमेर का बोल के गए थे, हम अजमेर से आ रहे हैं, वापस 2 दिन में आ जाएंगे। इसकी मम्मी दोनों साथ में थे और अभी हमारे मंदसौर से बात हो रही है उनके से।